कभी कभार हमारे लाइफ में ऐसा होता है कि हमें पुरानी आदतों को छोड़कर नई आदत बनाने में बहुत टाइम लगता है, और कई कई लोग तो नई आदत को बनाने में हार मान लेते हैं, उनसे नई आदत बनी नहीं पाती है, लाइफ में वो नई आदतें वो लागू ही नहीं कर पाते हैं, पुरानी आदतों को छोड़ ही नहीं पाते हैं। इसीलिए आज का मेरे इस वीडियो में 21 दिन का चैलेंज है कि आप 21 दिन में कैसे पुरानी आदतों को छोड़कर अपनी नई आदत को बना सकते हो। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। एक नई आदत को विकसित करने में कम से कम 21 दिन लगते हैं, उसके बाद भी ज्यादातर लोग कुछ ही दिनों के अंदर सकारात्मक परिवर्तन यानी पॉजिटिव लाने में हिम्मत हार जाते हैं। जब उन्हें सकारात्मक परिवर्तन से जुड़े हुए तनाव और दर्द को महसूस करना पड़ता है, जो उन्हें पुरानी आदतों को तोड़कर नई आदत बनाने में सहना पड़ता है। नई आदतें यानी हैबिट्स एक जूते की तरह होती है, पहले कुछ दिन अनकंफर्टेबल होती है, परंतु जब आप अगर उनको पहनते रहते हैं तो वे बिल्कुल आपके नाप के हो जाते हैं। एक मानव होने के नाते हमारी लाइफ में परिवर्तन हमें बिल्कुल नापसंद होते हैं, हम लोग अपने पहले की तरह ही रहना पसंद करते हैं। इस स्थिति को होम्योस्टेसिस कहते हैं, जो स्वाभाविक रूप से समय के साथ घटता रहता है, और ये तरीका इस आधार पर काम करता है कि कुछ भी बदलाव नहीं होना चाहिए, चाहे उससे बेहतर बदलाव ही हमारे सामने हो। और यही कारण है कि हमें नई आदत बनाने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, और इसकी चुंबकीय शक्ति हमें ऊंचाइयों पर जाने से रोकती है। जिस प्रकार एक रॉकेट शुरुआत के कुछ मिनट आगे आने वाले दिनों की तुलना में ज्यादा ईंधन व्यय करता है, जबकि आगे के दिनों में उसे करीब 50 करोड़ मील की दूरी तय करनी होती है। शुरू में जब आप 21 दिन को पार कर लेते हैं, तब आपको महसूस होगा कि आपको अपनी नई आदत सुविधाजनक यानी कंफर्टेबल लगने लगेगी। थोड़ा समय निकाल कर अपनी निजी आदतों पर ध्यान दीजिए और अपने आप से वादा कीजिए कि जरूरी बदलाव लाएंगे। आपके जीवन का महत्व काफी हद तक आपकी आदतें डिसाइड करती हैं। फिर जॉन डाइडेन ने लिखा है कि हम पहले आदतों को बनाते हैं, फिर आदतें हमें बनाती हैं। जैसे कि वर्जीनिया उल्फ ने लिखा है कि आदतों का कंकाल ही इंसान के ढांचे को बनाता है। और अपने आप से पक्का इरादा करिए कि आदतें आपकी बाधा यानी मुश्किलें बनने के बजाय आगे बढ़ने में आपकी मदद करेगी। पब्लिलियस साइरस के शब्दों में, आदतों की दुनिया रियलिटी में बहुत पावरफुल होती है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैं फिर आऊंगी एक नए टॉपिक के साथ। आप अगर किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं, और अपने दोस्तों को, अपने परिवार में लोगों को शेयर कीजिएगा।